प्रदेश में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ताजा मामला पूर्व चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड कार्यालय का है। यहां बीच रास्ते घात लगाए अपराधियों ने एक दवा व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी शिवजी ठाकुर दूध खरीद कर वापस लौट रहे थे, तभी सुनसान जगह पर अपराधियों ने गोली चला दी। गोली व्यवसायी की गर्दन और पेट में लगी। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को ग्रामीणों ने मोतिहारी नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बंजरिया जो ब्लॉक के बगल का है, शिव ठाकुर दूध लेके आ रहे थे, उसी में अपराधी उनको घेर के गोली मार दिया है। जो जिसको गोली लगा है, बहुत चिंताजनक अवस्था में रहमानिया हॉस्पिटल में एडमिट है। इससे पहले भी आज से 7-8 रोज पहले मेरे ही प्रखंड के चिचुड़िया रोहिनिया पंचायत के चिचुड़िया गांव के इलियास सरपंच के भाई पैसा लेके आ रहे थे पकरिया गांव में, उनको भी गोली मार के पैसा छीन लिया लोग। अपराधी बेलगाम है। इससे पहले सिसवा पूर्वी पंचायत के साहू जी के लड़का, उसको मेला देखने आया, मेला देखा उखा के अपना परिवार को भेज दिया, उसको मार के लाइन पर रख लिया लोग। ये प्रशासन क्या कर रहा है? हम लोग बाराबाबू से ही बोले हैं। इससे पहले हम प्रशासन विफल है आपका कहने का। बाराबाबू को बोले कि भाई हम लोग को होश है, बंजरिया प्रखंड में हम लोग घर है, कभी हम लोग इतना उम्मीद हो गया, कभी मतलब ऐसा कांड नहीं हो रहा था। ये कहाँ का है? प्रशासन क्या करता है? प्रशासन का जिम्मेवारी है मतलब अपराधी को पकड़ना, अच्छे आदमी को सुरक्षा देना। ये प्रशासन खाली पंगू बना हुआ है पैसा कमाने के चक्कर में। इसके बाद में अगर हम लोग बात भी किए हैं, इसके बाद में अगर अपराधी नहीं पकड़ाया तो हम लोग एनएच जाम करेंगे, हो सकता है तो हम लोग थाना भी करेंगे। मौके पर सदर डीएसपी और थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। गोली चली है, किसी को जो है गोली लगी थी। किसको गोली लगी? ग्राम ये नाम है उसका, शिवजी ठाकुर को लगी। क्या करते थे वो? जो है ऐसे वृद्ध थे, दूध लेके आ रहे थे, उसी में जो है व्यवसाय में जो है दवा जो आयुर्वेदिक का क्या क्या जो है जो बेचते थे, कोई बड़ा जो है दुकानदार नहीं। अभी क्या पोजीशन है, कहाँ भर्ती है? भर्ती तो रामानिया में है। कितना गोली लगा? गोली जो है लगी, अभी क्लियर नहीं पता है, हम लोग को जो है डिटेल लेंगे, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। अपराधी क्या चीज से आया था? कहने के गाड़ी से आया था। बिहार विधानसभा के हाई सिक्योरिटी इलाके में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतक के पिता अपने बेटे से मिलने उसके 9 नंबर क्वार्टर में पहुंचे। मृतक का नाम रंजीत पासवान बताया जा रहा है, जो विधानसभा सचिव का 4th ग्रेड कर्मचारी था। पिता का नाम कमलेश्वरी पासवान, जो कौशल नगर पटना के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस भी इस मामले में कुछ बोलने से बच रही है। विधानसभा के पास शव का मिलना सवाल खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एक तरफ जहां अपराधी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, वहीं पुलिस भी शातिर अपराधियों पर नकेल कसने में जुट गई, जिसमें मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की। विभिन्न थाना क्षेत्र से पकड़ी गई शराब का जिला मुख्यालय के उत्पाद कार्यालय परिसर में विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी वृंदा लाल, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और उत्पाद अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी वृंदा लाल ने कहा कि शराब और इसके कारोबार को लेकर प्रशासन सख्त है। शराब को लेकर क्षेत्र में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस बार एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत मात्रा में जो है विदेशी शराब, देसी शराब, मसालेदार और जावा पकड़ा गया है। सराहनीय है, विभाग के द्वारा अच्छा काम किया गया है। विदेशी शराब कम से कम 1012.185 लीटर जो है जब्त किया गया है। देसी शराब 3.6, मसालेदार 152.6 और चुलाई शराब 216.10 और जावा जो है 45 लीटर जब्त किया गया है।
और आगे भी जो है छापेमारी चल रहा है, आशा है कि जो है और मात्रा में भारी मात्रा में पकड़ा। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा जिले भर में लगातार छापामारी और कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में मधेपुरा के उत्पाद विभाग के द्वारा आप देख सकते हैं कि हजारों लीटर शराब, देसी विदेशी शराब का यहाँ पर पकड़ के लाया गया है, जिसका विनिश्चयकरण किया जा रहा है। हमारे SDPO शाह बशीर अहमद एवं SDO बृंदा लाल के नेतृत्व में और लगातार यहाँ पुलिस के जवान हैं, जिसके सामने में सारे का सारे विनिश्चयकरण किया जा रहा है। और इस तरह की कार्रवाई से लग रहा है कि मधेपुरा में पूरी चौकसी बरती जा रही है। हर जगह से सूचना मिलने के बाद वहाँ पर घेराबंदी करके वहाँ से शराब को ले आकर के इस विभाग के कार्यालय में जमा किया जाता और इन अधिकारियों के बीच में शराब की विनिश्चयकरण की जा रही है। इससे निश्चित तौर पर जाहिर तौर पर ये बिल्कुल सामने आ रही है जो कि कहीं न कहीं से चोरी छिपे मधेपुरा में शराब पहुंच रही है और यहां के अधिकारी के चौकस रहने के कारण लगातार इस पर कार्रवाई के दौरान यहां शराब का खेप पकड़ा भी जा रहा है और विनिश्चयकरण भी किया जा रहा है। मधेपुरा से राजीव रंजन, पंजाब केसरी के लिए।